मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अवर डे टू फोर को प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज मैंने डिसाइड किया है कि आपको बताया जाए कि कोई भी क्रॉप है वो कैसे ग्रोन की जाती है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ सीड्स लिए हैं। ये हमारे पास कुछ सीड्स हैं। एज यू नो कि खारिफ क्रॉप का सीजन हो रहा है, तो ये खारिफ क्रॉप के सीड्स लिए हुए हैं मैंने। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि कोई भी क्रॉप ग्रोन करने के लिए हमें सेवन स्टेप्स जो हैं वो सेवन पैरामीटर में से पास थ्रू होना पड़ता है। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। एज यू नो कि मैंने अगर ये सीड्स को ग्रोन करना है तो इसके लिए मेरे को पहले चाहिए मिट्टी। तो मेरे पास ये जो जगह है, ये इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी हार्ड हो चुकी है। इसे पहले नरम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एज यू नो जो मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, ये मिट्टी के अंदर होता है। लेकिन अगर मान लो ये हमारे पास मिट्टी है, अगर ये सख्त हो चुकी है तो इट मीन्स इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर डीप डीप चले गए हैं, कुछ सेंटीमीटर तक अंदर जा चुके हैं। तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, इसीलिए हम यूज़ करेंगे कल्टीवेटर, मीन्स ट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, प्लफ हल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल आपको दिखाया था होए मीन्स कही, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुरपा आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करके फिर जो कोई भी सीड है उसे ग्रोन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मान लो मिट्टी प्रिपेयर हो गई, एज यू नो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सपोज करो मेरे पास ये जो मिट्टी है ये जो है ये सेट हो चुकी है, यहाँ पे मिट्टी सारी सेट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सोइंग ऑफ सीड। मैं इसमें क्या करूँगी, कोई भी सीड जो है वो सोन करूँगी, बिजाई करूँगी। फिर इसके बाद जब मान लो सपोज मैंने यहाँ पे सीड लगा दिया, ये मेरा सीड अब थोड़े दिनों बाद जर्मिनेट करने के लिए जर्मिनेट कर जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी लाके कि मैंने यहाँ पे सीड लगाया था और ये ग्रोन कर गया। अब इसके बाद सोइंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड जो हमारा स्टेप आता है, पैरामीटर है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ कि मैन्यूर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्यूर होते हैं कोई भी मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ये मेरे पास है काउडंग, ये काउडंग जो है इसे हम बोलेंगे मैन्यूर। ये मेरे पास है यूरिया, इसे बोलते हैं हम फर्टिलाइज़र। ये भी मेरे पास एक फर्टिलाइज़र ही है। ये क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं। कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जब कभी भी आप फसल को ग्रोन करते हो तो आप उसमें मैन्यूर का यूज़ करो, मीन्स उसमें आप काउडंग डालो, घर का वेस्ट डालो, मान लो आपने किचन का वेस्ट है उसे डालो, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ करो, या आप घर में कोई खड्डा खोद के उसमें आप किचन का वेस्ट डालते जाओ और थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि आपका नेचुरल जो मैन्यूर है वो रेडी हो जाएगा। आप इनका यूज़ करो। जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज़र इसकी कैपेसिटी को, कोई भी मतलब जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ये बहुत जल्दी जो है उससे फसल होती है, इसे बोलते हैं हम यूरिया। ये यूरिया किसानों को इसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, इसकी एक्सेस अमाउंट जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मिट्टी है वो बैरन, वो बंजर होती जाती है। तो इसीलिए कोशिश ये करो आप कि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है वो कम करो। और ये है हमारे पास मैन्यूर काउडंग, आप इसका यूज़ ज़्यादा करो ताकि आपकी फसल जो है उसे न्यूट्रिएंट्स मिले, उसकी उपजाऊ शक्ति इंक्रीज़ हो और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें हैं उस मिट्टी में उगा सको। सो आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है आपको बताने के लिए। आज मैंने आपको तीन स्टेप बताए हैं और आई थिंक आप इन सभी स्टेप्स को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो वो आप मेरे से पूछोगे। सो आई होप यू एंजॉय गुड हेल्थ इन दिस एपिडेमिक डिसीज़। सो वी विल मीट टुमारो, बाय। देखो हूँ आप की करे।